हाय एवरीवन, दिस इज मी अली मिर्जा। वेलकम बैक टू अवर चैनल लैपटॉप रिपेयर नाउ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डेल इंस्पिरॉन का ये लैपटॉप है। डेल इंस्पिरॉन 153584 सीरीज़ का ये लैपटॉप है। ऑलमोस्ट 2018 में हमने ये परचेस किया था। अभी ये लैपटॉप बहुत लैगिंग कर रहा है, बहुत स्लो कर रहा है। रनिंग परफॉर्मेंस इसका कुछ भी प्रॉपर नहीं आ रहा है। इसमें ऑलरेडी 8 GB रैम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर भी रहेगा डेल का, P75F905 बोल के रहेगा इसका मॉडल नंबर। तो ये लैपटॉप हमें लैगिंग कर रहा है। तो हम जो इसमें 128 GB SSD एंड क्रिशल का DDR4 8 GB और एक इंस्टॉल करेंगे रैम इसमें, तो हमारा 16 GB रैम हो जाएगा। और 128 GB में हम इसमें जो है सो सॉफ्टवेयर लोड करेंगे, और बाकी का हमारा 1 TB हार्ड ड्राइव है वो डेटा स्टोरेज के लिए हम उसके अंदर वैसे ही रखेंगे। जैसा कि आपको कुछ पता नहीं है लैपटॉप में कौन सा आपका SSD लगेगा, कौन सा रैम लगेगा, तो हमारी लास्ट वीडियोस में जाके आप चेक कर सकते हैं कि उसमें पूरा हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपको बताए हैं, क्लियर वीडियो में पूरा दिए हैं कैसा आप उसको परचेस करना है, कैसा उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके लैपटॉप में कौन सा SSD लगेगा, कौन सा रैम लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम यहाँ के इसके स्क्रूज ओपन कर लेंगे पूरे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पूरे स्क्रूज इसके ओपन हो गए हैं। हिंजेस साइड के स्क्रूज जो सो लॉकिंग सिस्टम रहेगा, इसीलिए यहाँ के स्क्रू नहीं निकलेंगे। तो अभी हम करेंगे इसका पैनल ओपन। थोड़ा इधर से थोड़ा हमने ओपन कर लिया। उसके बाद आपको देखने का यहाँ सिल्वर कलर है, ब्लैक कलर का बॉर्डर रहेगा, बॉर्डर से आपको ओपन करना रहेगा। छोटा सा आपको इसका ओपनर ले लेने का रहेगा ओपन करने के लिए। चलिए ये भी ओपन करेंगे। अब बेसिकली आपको इधर से डालते हुए इधर बेसिकली प्रेस करते 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 आपको जो है सो ओपन करना रहेगा। आप एग्जाम से अगर ओपन करें तो पैनल क्रैक होने के चांसेस रहेंगे। आप स्लोली स्लोली करिए। तो हमारा यहाँ पर एक स्क्रू अभी लगा हुआ है, हमने नहीं निकाला है। ये हमारा स्क्रू निकल गया है, तो ऐसा हमारे से भी मिस्टेक होता है। तो आप भी जो है एक बार प्रॉपर देख लीजिए पूरा। इसके पैनल पूरा ओपन हो गया है, अभी हम इसका पैनल ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पैनल इसका ओपन हो गया है। ये अभी इसमें हम जो है सो लगाएंगे, यहाँ पर M.2 आएगा हमें यहाँ पर, और एक एक जो है सो यहाँ पर रैम लगाएंगे। यहाँ पर 8 GB रैम हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है 4+4, तो हम एक रैम इसका रिमूव करेंगे एंड 8 GB रैम लगाएंगे, तो हमारा 12 GB रैम हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बैटरी इधर से रिमूव कर देंगे। सबसे पहले आपको ये बैटरी रिमूव करना रहेगा, तो ये पावर पूरा कटआउट हो जाएगा आपका। उसके बाद हम करेंगे इसका रैम रिमूव, एक रैम इधर से इसका निकाल देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये RAVX का रैम है, ये इसमें DDR4 का रैम है 2666V का ये। तो अब हम इसमें RAVX का निकाल के क्रिशल का इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं इसमें रैम इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी फिक्स हो गया, बस इधर प्रेस करना रहेगा आपको लॉकिंग सिस्टम में। ये लॉक हो गया है आपको। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर SSD के उसमें यहाँ पर एक स्क्रू रहेगा, ये इसका एक स्क्रू ओपन करना रहेगा आपको। उसके बाद में जो है सो ये हम रख देंगे इसको बाजू। ये रहा हमारा SSD, अभी हम करेंगे इसको ओपन। ये हमारा SSD आ गया है 128 GB का M.2 SSD। अभी हम इसमें लगाएंगे इसको। ये हमारा SSD इसमें लग गया है, अभी हम इसको लॉकिंग करके इसका स्क्रू लगाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, कमेंट्स करें आपको क्या प्रॉब्लम आया था, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ, आप SSD कैसा वो करें इसमें इंस्टॉल करें। और आप SSD इसमें इंस्टॉल कर दिए बस, फिर आपको सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना रहेगा। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, हमने आई बटन पे इसका जो इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, आई बटन पे भी लिंक दे दिया है। आप वहाँ से भी सॉफ्टवेयर कैसा इंस्टॉल करते, कैसा डाउनलोड करते, पूरा स्टेप बाई स्टेप आपको इसमें रहेगा। चलिए अभी हम इसको पैक कर देंगे एक बार। इससे पहले हम लगाएंगे इसका बैटरी का कनेक्टर वापस। आपको बैटरी का कनेक्टर लगा के बेसिकली इधर से फिक्स कर देना रहेगा। अभी हमारा यह फिक्स हो गया है, अभी हम लगाएंगे इसका बैक कवर। अभी हम इसमें इसके स्क्रूज पूरे फिक्स कर देंगे। ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी रेडी पूरा लैपटॉप। ये हमारा लैपटॉप रेडी हो चुका है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।